तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 2 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के काफ़ी गेस प्रश्न से संख्या 4 जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशन में गुप्ता जोड़ो। चैनल चैनल पहला चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के लाओ कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दी क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि जो भी चाहे 2 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं वो भी जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को आप ध्यान सुनने की कोशिश करके अच्छी तरह से याद कर सके क्योंकि यही सब प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न है प्रश्न के आंसर आपको पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करिए ताकि आप सभी को पता चल सके जो कि आपका तैयारी और कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और सभी प्रश्न को यहाँ पे प्रॉपर अच्छी तरह से देखे और अच्छी तरह से याद कर ले। इससे पहले हम की बात करें तो यहाँ पे 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं और आपको आंसर मालूम है तो नीचे जाके जल्दी से कॉमेंट करिएगा। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि प्रथम प्रश्न है, कह रहा है कि इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। इसी तरह आपको 4 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर की हम बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है जो कि आंध्र प्रदेश, यानी तो इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है तो आंध्र प्रदेश। 41 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न की अम्लीय वर्षा का कारण कौन है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। तो दोस्तों आप ये 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से नीचे कमेंट करिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर की हम बात करिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर वायु प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का कारण कौन है तो वायु प्रदूषण। 42 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन पेय फसल, यानी इसको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल यानी कि पीने वाला फसल है। इसका राइट आंसर हम बात करिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दोनों, यानी इसको ए और बी दोनों, यानी इसको चाय और कॉफी ये पिए वाले फसल है यानी कि पेय फसल है। तो 43 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है कि 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, 2 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन लेना है, उसके बाद आपको गोला करना है, ठीक है। अच्छी आपको प्रश्न को पढ़ लेना, उसके बाद आपको जो कि आंसर यहां पे भरना है क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे धरपड़ में क्या करेगा छात्र कि ए मार देगा बी मार देगा और गलती करके आ जाएगा। ये नहीं है कि ध्यान से हम देख के अच्छी तरह से हमारा जो यहां पे टाइम मिला है 3 घंटा 15 मिनट का उसे हम अच्छी तरह से उपयोग करें, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में पुनः जनगणना पहली बार कब हुई थी। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत में पुनः जनगणना पहली बार कब हुई थी। इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है जो कि 1881 में, यानी कि दोस्तों भारत में पुनः जनगणना पहली बार कब हुई थी तो 1881 में हुई थी, ठीक है। 44 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 45 नंबर प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया इसका राइट आंसर की हम बात करी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए तो ऑप्शन में यहाँ पे वी है जो कि 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति पर, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में लगता है कि इन यही होगा बी होगा क्योंकि 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 45 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न की किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर केरल, यानी तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है तो केरल। 46 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
सो दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दी ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते, इससे पहले आपको बता दें जो भी छात्र इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो उसे भी जाके देख लीजिए ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। तो अगले प्रश्न आप ये देखते हैं जो 47वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है जो कि यूरोप को एशिया से, यानी दोस्तों उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है तो यूरोप को एशिया से, 47 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते हैं 48वां प्रश्न की भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी है तो दोस्तों भारत में नगरीय आबादी कितना परसेंट है, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है जो कि 31%, यानी दोस्तों भारत में नगरीय आबादी कितना परसेंट है तो 31% है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते जो 49वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कह रहा है कि यहाँ पे संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है ए और एवं बी दोनों, यानी सो प्राकृतिक घटक और यहाँ पे मानवीय घटक, ये जो कि माना महत्वपूर्ण घटना माना गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाए, 49 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न आप देखिए 50वां प्रश्न की रांची किस राज्य की राजधानी है, दोस्तों यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रांची किस राज्य की राजधानी है, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है जो कि झारखंड, यानी दोस्तों झारखंड का जो राजधानी है वह रांची है, 50 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपके आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे पहले हम जो कि वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप उसे देख लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जो अंक आएगा वह बेहतर आएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न आप देखते 51 प्रश्न की वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, वाल्मीकि नगर जो कि रिजर्व, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे चार राज्य का नाम दिया, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है इसका राइट आंसर बिहार, तो दोस्तों आपको याद है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है तो बिहार में स्थित है, 51 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 52 प्रश्न की किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन वन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर जो कि देखते यहाँ पे कोयम्बूत्तर, यानी दोस्तों बत्तूर, यहाँ पे कह रहा है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो वह यहाँ पे कोयम्बत्तूर को कहा जाता है, तो 52 का जो सही आंसर ऑप्शन वन सी इसका राइट आंसर, कोई कोई ऐसा शब्द होता है जो कि पढ़ लीजिएगा लेकिन बोलने में कठिनाई हो रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते 53वां प्रश्न की बोकारो इस्पात केंद्र, दोस्तों इससे पहले भी हम यह प्रश्न ले चुके हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए निजी क्षेत्र में, यहाँ दोस्तों बोकारो इस्पात केंद्र है तो निजी क्षेत्र में, ठीक है, 53 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते 54 प्रश्न की हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है इसका राइट आंसर फूल से, यानी तो हॉर्टिकल्चर संबंधित है तो फूल से, 54 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते 55वां प्रश्न की उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है तालाब, यानी तो उत्तर भारत में जो कि सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है तो वह हो जाए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे तालाब हो जाएगा, ठीक है, तो 55 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते 56वां प्रश्न की निम्नलिखित में कौन बगानी फसल नहीं है, निम्नलिखित में कौन बगानी फल जो कि फसल नहीं है, इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी मक्का, यानी तो निम्नलिखित में कौन बगानी फसल नहीं है तो मक्का, 56 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप हम काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे, साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी छात्र को पता चल सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। सो दोस्तों चाहे अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के लाभ कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले, और साथ में आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड की पल पल खबर आपको मिलता रहेगा सबसे पहले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 57वां प्रश्न की
निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, इसका राइट आंसर की हम बात करिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी सो अगर हम बात करिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वह कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 57 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 58 प्रश्न की धारावी मलिन बस्तियाँ किस नगर में स्थित है, धारावी मलिन बस्तियाँ किस नगर में स्थित है, दोस्तों किस नगर में स्थित है, इसका राइट आंसर हम बात करिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है मुंबई, यानी तो धारावी मलिन बस्तियाँ किस नगर में स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। 58 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 59 प्रश्न की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, इसका राइट आंसर हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि यहाँ पे समकालनात्मक अनुशासन, यानी सो कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे समकालनात्मक अनुशासन। 59 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 67 प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, इसका राइट आंसर की हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वन डी इसका राइट आंसर प्राचीन काव्य। तो दोस्तों आपको याद है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो प्राचीन महाकाव्य, तो 60 का जो सही आंसर ऑप्शन वन डी इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी छात्र 2 फरवरी को एग्जाम देने वाले वो भी जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो उसे भी जाके देख लीजिए। अगले जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, इसका राइट आंसर हम बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वह जहाँ पे हमको लगता है व्यापार, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो व्यापार। 61 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 12वें प्रश्न की निम्नलिखित क्रियाकलाप में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियात्मक नहीं है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियात्मक नहीं है, इसका राइट आंसर की हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वस्त्र निर्माण, यानी दोस्तों 12वें का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 63वें प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, इसका राइट आंसर हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सेवा, यानी 63 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 64वें प्रश्न की वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्थल वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्थल वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वह क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप। तो दोस्तों 64 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाइक करिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दूं उस चैनल पे ऑनलाइन जुड़ी वीडियो आपको मिलेगा, तो जाकर जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो वीडियो हम डाली सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 65वां प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, इसका राइट आंसर हम बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे बी इसका राइट आंसर प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो 65 का जो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे प्रौद्योगिक। अगले प्रश्न यहाँ पे 66वें प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप ऑप्शन यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, 2 उसके बाद बात करें यहाँ पे नीचे में भी 2 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों इसके यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, इसका राइट आंसर की हम बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर, जो कि मतनात्मक क्रांति, यानी दोस्तों 66 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 67वें प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, जिसका राइट आंसर हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे जो कि सी इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो 67 का जो सही आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 68वें प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित
रितेश का राइट आंसर की हम बात के लिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, यानी जो कढ़ाई यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, तो वह यहाँ पे कागज और कच्ची लुगदी निर्माण। तो 68 का जो सेंस ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 69वां प्रश्न की पार महाद्वीपीय असोल्ट महामार्ग किन के मध्य गुजरता है, यहाँ पे पार महाद्वीपीय असोल्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है, यानी कि किन के बीच से गुजरता है, जिसका राइट आंसर की हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर है डार्विन और मेलबर्न से। तो दोस्तों 69 का जो सेंस ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 70वां प्रश्न की किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिया इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर जो कि कनाडा, यानी सो 70 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में ज्योग्राफी के गेस प्रश्न यहाँ पे कुल यहाँ पे 30 प्रश्न थे, तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही नीचे कमेंट करिए, वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे जाके कमेंट करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी छात्र जो इसको अभी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, चाहे पहले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करें, ताकि 2 फरवरी के एग्जाम होने वाले में काफी अच्छी ढंग से बना के आए और आपका जो रिजल्ट आए काफी बेहतर आए। दोस्तों अगर आप चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले, साथ में आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड की पल पल खबर आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मैं किसी और वीडियो के साथ जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।